नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इससे पहले सीएम योगी ने सीधे कांच मंदिर में तुलसी पाठ पहुंच करके तुलसी पीठ पहुंचे हुए थे, जहां पर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात करी और बेहद खासी मुलाकात रही है। प्रशिक्षण शिविर में तमाम पहलुओं पर सभी नेताओं को चर्चा का मौका मिला और इस दौरान सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया है और आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी को जुट जाने का पाठ भी पढ़ाया गया। 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी कैबिनेट मंत्री, सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, सभी जिले के प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे और करीब 14 सत्रों में ये जो प्रशिक्षण चला है और हर विषयों को कहीं न कहीं उसको स्पर्श किया गया है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे मोदी जी के जो लोकप्रिय जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन के लिए हो, तो सभी विषयों को हमारे एक एक जो वक्ताओं ने माने हम सबको इस प्रशिक्षण में उनका उद्बोधन प्राप्त हुआ है। हाँ, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भगवान कामतानाथ स्वामी जी की कृपा छाया में आज संपन्न हो गया है। बहुत सफल, बहुत शानदार रहा है। संगठन की दृष्टि से, पार्टी के और अधिक मजबूती की दृष्टि से, 2024 की दृष्टि से, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उनकी दृष्टि से। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले में रविवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे। अपने तय कार्यक्रम पर मंत्री संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की वजह से बहुत तेजी से विकास हो रहा है। निषाद समाज पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 70 सालों से सताया हुआ समाज है। इसके अलावा गांव या पिछड़े क्षेत्र में जो जातियां हैं उनके लिए हमारी सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं। 70 साल से सताया हुआ समुदाय है मछुआ समुदाय। इसके साथ साथ और भी जो गांव में जातियां रहती हैं उनके हितों के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उसमें एक योजना, महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है इस समय, और उस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पहली बार 20,000 करोड़ रुपए का 70 साल में पहली बार है इस समुदाय के तरफ एक अनुदान, के नीचे रहे उनको दान देकर ऊपर दिया जाए, ज्ञान और अनुदान अंशदान और के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष मनाया जाने वाले 15 अगस्त का लबोलुआ आप कुछ अलग होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम शुरू करी है। योगी सरकार की इस हर घर तिरंगा मुहिम का शाहजहां के जिला जेल में बंद बंदी भी हिस्सा बन रहे हैं। देश की आन बान शान हमारा तिरंगा इस 15 अगस्त को हर घर में लहराए, इसलिए जेल में बंद बंदी लोगों को मुफ्त देने के लिए तिरंगा झंडा बनाकर तैयार कर रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जिला कारागार शाहजहांपुर के बंदी भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की आन बान शान और भव्यता को बढ़ाने के लिए कारागार में निरुद्ध पुरुष कैदी और महिला कैदी दोनों बढ़ चढ़ कर कारागार में ही स्थापित सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र में तिरंगे तैयार कर रहे हैं। विस्फोट से 2 मंजिला मकान धराशायी होने के मामले में फॉरेंसिक टीम ने स्थानीय पुलिस की कलाई खोलकर रख दी है। जांच टीम ने स्थानीय पुलिस के सिलेंडर से हुए ब्लास्ट के दावे को 24 घंटे के अंदर हवा हवाई कर दिया। जांच टीम की भारी मात्रा में बारूद और अन्य सामग्री बरामद करने की सूचना ने सबके होश फाकता कर दिए। दशकों से पुलिस के नाक के नीचे आतिशबाजी के पटाखे बनाने की आड़ में बारूद का ये खेल चल रहा था। लोकल पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है, सवालिया निशान खड़ा होता है। आपको बता दें कि अमेठी जिले के जामु थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुखिनवार गांव में कल यानी कि शनिवार को अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिस पर पुलिस ने दावा किया था कि घर में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से ये घटना हुई है। कल जामु थाना क्षेत्र के दुखिनवारा गांव में शाम को एक विस्फोट की सूचना मिली थी। पूछताछ में घर वालों द्वारा बताया गया कि ये विस्फोट सिलेंडर में हुआ था, जो अकबाल हुसैन का घर है। लेकिन आज BDS टीम
और फिल्ड टीम और थाने की टीम ने आके विधिवत जांच किया है, तो जांच से ये पता चला है कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ था और ये विस्फोट पटाखों से हुआ था। इनके पास भी कोई लाइसेंस पटाखा बनाने का, बेचने का, रखने का नहीं था, अतः इनके विरुद्ध जामो थाने में उचित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जनपद के सभी थानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने थानों में चेक कर लें, यदि कहीं कोई इस प्रकार अवैध रूप से पटाखों का बिक्री या संचरण कर रहा है या रख रहा है, स्टॉक कर रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इसके साथ ही साथ जो वैध लाइसेंस है उनकी भी जांच करने के आदेश दिए गए। मथुरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, एक ऐसी लापरवाही जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगस्त से 4 अगस्त से होने वाली आईआईटी की परीक्षा में 187 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनमें शिक्षक साहब सिंह की ड्यूटी लगाई गई है, जिनकी वर्ष 2021 में कोरोना की लहर के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि शिक्षक साहब सिंह सम्मिलित विद्यालय अमरीपुर में प्राध्यापक के पद पर तैनात थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है उनकी ड्यूटी श्री जेएस प्राइवेट आईआईटी अमीरपुर में लगा दी गई। मृत शिक्षक की ड्यूटी लगाए जाने का मामला जब सामने आया, बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उनकी जगह पे अब किसी और की ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है। सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश महादेव पर लगने वाले कैलाश मेले की रौनक सोमवार तक छाई रहेगी। मेले का शुभारंभ कैलाश महादेव की पूजा अर्चना और फीता काटकर श्याम पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने की है। इस दौरान पुलिस की रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी लागू हो चुकी है। सभी गावड़ियों के आने का क्रम रविवार रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। रात 12 बजे कैलाश महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा और इसके बाद कपाट बंद होंगे, लेकिन रुद्राभिषेक के बाद कैलाश महादेव मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आगरे का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला जो लगभग 150-200 सालों से लग रहा है, उस मेले को सभी को आगरा शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मेले का शुभारंभ हुआ है, इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वच्छता मथुरा में हरियाली तीज की धूम रही। हरियाली तीज पर बांके बिहारी के पट सुबह 7:45 के करीब खोल दिए गए थे, फिर बांके बिहारी विश्राम करते हुए नजर आया। उसके बाद दोबारा 5 बजे से रात को 11 बजे तक सभी भक्तों ने बांके बिहारी के दर्शनों की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखा है। दर्शन बांके बिहारी के हो रहे हैं। 22 किलो सोने और 1000 किलो चांदी का हिडोला है जिस पर बांके बिहारी विराजमान है। आपको बता दें कि बांके बिहारी सोने और चांदी के झूले पर साल में सिर्फ आज ही के दिन यानी कि हरियाली तीज के दिन विराजमान होते हैं और राधा रानी को झुलाने का काम करते हैं। राधा रानी को झुलाने के बाद राधा रानी का श्रृंगार कान्हा जी अपने हाथों से करते हैं। हरियाली तीज का झूला है, इसमें ठाकुर जी राधा रानी को झूठा देंगे, राधा रानी को बैठा के झूला झुलाएंगे। जब राधा रानी थक जाएंगी तो पीछे सैया लगी हुई है, वहाँ जाके राधा रानी का श्रृंगार भी ठाकुर जी करेंगे। आपने अंदर देखा होगा एक सैया है, उसके बगल में दर्पण वगैरह है कि राधा रानी का जब हवा लगती है तो श्रृंगार जो है बिखर जाता है, इसीलिए आज के दिन सिंगारा जो है राधा रानी को चढ़ाया जाता है। जी, हर साल की तरह हम हर साल यहाँ पर ठाकुर जी जब हरियाली तीज पे सोने और चांदी के हिंडोले में झूला झूलते हैं उनके दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जी के ऐसे दर्शन करने से जीवन में, स्वास्थ्य में हर तरीके से हरियाली होती है, जीवन खुशियों से संपन्न होता है। वक्त यहाँ पर छोड़ से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा। विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले वक्त में ये प्रदेश दुनिया में अपने एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाएगा।
विश्व के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे का ये काम 3,200 किलोमीटर पर चल रहा है। प्रदेश में अब तक 6 एक्सप्रेसवे संचालित थे, लेकिन 16 जुलाई को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस संचालित एक्सप्रेसवे की लिस्ट में जुड़ गया है। अब यहां कुल 7 एक्सप्रेसवे जनता के इस्तेमाल के लिए समर्पित हैं। इसी महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधे जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया था। यूपी में सड़कों पर काम तेजी से हो रहा है। यूपी में गांव की गलियों, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से जोड़ने के लिए भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यहां 70 सालों में एक्सप्रेसवे पर कम काम हुआ था, लेकिन हाल ही में यूपी में एक्सप्रेसवे के निर्माण को संजीदगी से लिया गया। आगे बढ़ने से पहले जानिए उत्तर प्रदेश के संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के बारे में। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कुल संचालित एक्सप्रेसवे की संख्या 6 है, जो 1,225 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेशवासियों को लाभान्वित करता है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, तो वहीं कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की संख्या 7 है, जो 174 किलोमीटर दूरी के साथ प्रदेशवासियों को लाभान्वित करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। इस कड़ी में NCR और पश्चिम यूपी के लोगों के लिए सहूलियत के लिए बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके पूरा होने से पूरब और पश्चिम की दूरी में कमी आएगी। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन एक्सप्रेसवे के अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। इससे यूपी के बाशिंदों के अलावा अन्य प्रदेशों को भी फायदा मिलेगा। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ ही इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियां भी विकसित की जा रही हैं। कुल मिलाकर योजना इन तमाम एक्सप्रेसवे के जरिए सूबे को आर्थिक, सामरिक और व्यवहारिक दृष्टि से संपन्न बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दून मेडिकल अस्पताल जाकर अस्पताल में उपचाराधीन वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह रावत गांववासी की कुशलक्षेम जानी है। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करी और मुख्यमंत्री ने गांववासी के उपचार के संबंध में चिकित्सकों से बातचीत भी करी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दायित्वधारी सुशीला बलूनी के डोभालवाला स्थित आवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के गोलमाल किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हुसैनपुर पंचायत के बाद अब मुंडाखेड़ा खुर्द में सरकारी कर्मचारियों की ओर से लाखों के गोलमाल किए जाने का मामला
चर्चाओं में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पंचायत के कर्मचारियों की ओर से 3 साल पहले मृतक के नाम से पाइपलाइन बिछाने के नाम पर लाखों रुपए गोलमोल किए गए, जिसके चलते विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इसमें तुरंत जांच करें और जिन लोगों ने इन कामों में हेराफेरी की है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। हरिद्वार के कंकरखाता गांव निवासी कक्षा 8 की नाबालिग छात्रा का आधी रात को 1 बजे अपहरण हुआ, जिसके बाद छात्रा के परिजनों और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अपहरण हुई छात्रा के परिजनों और अन्य रिश्तेदारों की ओर से उसकी कई जगहों पर तलाश भी की गई, मगर परिजनों को उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद हताश होकर छात्रा की मां ने इस पुलिस को सूचना दी और लक्सर कोतवाली पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता से जांच करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने अपहरणकर्ता की धरपकड़ और अपहरण हुई छात्रा की बरामदगी के लिए दबिश देना शुरू किया और अपहरणकर्ता को 24 घंटे के अंदर धर दबोचा। इतना ही नहीं, उसके चंगुल से 15 साल की नाबालिग छात्रा को भी सकुशल बरामद किया है। खाता से इंतजारियों द्वारा बताया गया कि मेरी नाबालिग लड़की को उनके गांव का लड़का बहना फुसला कर लेके चला गया है, जिसका मुकदमा रात में ही दर्ज किया गया। इसी की व्यवस्था मुझे मिली सर, जिसमें हमने पुलिस द्वारा पुलिस की टीम द्वारा हम लोगों ने लड़का और लड़की को आज ही बरामद कर लिया है, जिसमें अभी द्वारा बताया गया कि वो 26 तारीख को आधी रात को लड़की को बहना फुसला कर लेके गया था, जिसको हमने बरामद कर लिया है और अभी हम कार्रवाई करने के लिए हम थाने पर लाए हैं। आगे व्यवस्था की जा रही है। बरसात के मौसम में लगातार पुलिस और प्रशासन की ओर से लोगों को नदियों के किनारे न जाने और सड़कों पर बह रहे रपटों को पार न करने की हिदायत लाखों बार दी गई, बावजूद इसके कुछ लोग हैं कि मानते नहीं, लापरवाही करते नजर आते हैं और मौत को खुद दावत दे रहे हैं। घटना हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र की, जहां पर बहते हुए रपटे में पुलिस की ओर से लोगों को पार न करने की हिदायत दी गई, बावजूद इसके कुछ लोग देखिए किस तरीके से खतरे में बाइक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि बाइक पानी में ही फंस गई। वर्दीधारी पुलिस वाले ने किस तरीके से बाइक सवार को निकाला है, ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है कि हो सके तो ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचें। तो वहीं उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा करी है। ट्वीट में लिखा गया है कि प्रयागराज में यूपी लेखापाल परीक्षा की पेपर लीक होने की घटना सामने आई है, योगी सरकार हर बार की तरह नाकाम हुई। तो वहीं कानपुर शहर के कई केंद्रों पर लेखपाल परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा के बावजूद छात्र इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए नकल करते पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर गिरफ्तारियां हुई हैं, 12 जिलों में छापेमार कार्रवाई के तहत 21 गिरफ्तारियां अब तक अमल में लाई जा चुकी हैं। जनपदों में 501 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा था, इसमें एसटीएफ को पूर्व से ही जानकारी मिली थी अभिसूचना संकलन के दौरान कि कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे और कुछ गैंग्स सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के गैंग्स की गिरफ्तारी हुई है, कुल 21 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। जहां एक ओर कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की वजह से उत्तर प्रदेश के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जिलों का रूट डायवर्जन हुआ है ताकि कांवड़ यात्रियों को सुविधा मिले, परेशानी ना हो, लेकिन बस यात्रियों का क्या, उन्हें अपने मंजिल में पहुंचने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मजबूरन दोगुने दाम चुकाने पड़ रहे हैं और कई जगहों पर यात्री बसों में यात्री भी मौजूद नहीं है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यात्रा की वजह से परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था बेहाल हो गई है। यात्रियों को गंतव्य तक जाने के लिए समय से ना तो बस मिल रही है और ना ही सही जानकारी, उन्हें बस के लिए घंटों तक परेशान होना पड़ रहा है। हद तो यह है कि जाना चाहते हैं जहां वहां के लिए बसें नहीं जा रही हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि बस आएगी भी या नहीं। ऐसे ही एक बुजुर्ग यात्री पसीने से तरबतर हो हमसे पूछने लगे कि क्या लखीमपुर के लिए बस जाएगी। इससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 बस डिपो कांवड़ यात्रा के कारण बंद हैं।
जहां 2000 के करीब बसें खड़ी हैं। लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन पर सभी बसें खाली खड़ी हैं। जो बसें जाना भी चाह रही तो यात्री नहीं मिल रहे। खास तौर पर देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश के यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहां के लिए बसें बंद। लेकिन अधिकारी के मुताबिक बसों का संचालन कावड़ यात्रा के बाद सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। 8 अगस्त को आखिरी सोमवार है, उसके बाद यात्रियों को होने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है जो कि रोडवेज का सहारा लेते हैं। ऐसे में ही देहरादून जाने वाले एक यात्री हैं हमारे साथ। सर आपका क्या नाम है? अमित शर्मा मेरा नाम है। और कहाँ जाना है? मेरे को मुझे खाना देहरादून जाना है और लेकिन बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि कल आते हुए बड़ी दिक्कत हुई। मुरादाबाद के लिए कोई बस नहीं थी, मुरादाबाद से पहले अगवानपुर से सब बसें वापस कर दी थी, तो ऐसे में मुझे ट्रेन से आना पड़ा बगैर रिजर्वेशन के। फिर मैं जनरल टिकट लिया, बड़ी दिक्कत हुई आने में। तो ऐसे में तो अभी कहा जा रहा है कि 8 अगस्त तक ये दिक्कतें आएंगी। हाँ, ये कावड़ का तो खत्म हो गया लेकिन उसके बाद भी कावड़ चलती थी इधर मुरादाबाद वाले रूट पर, तो उसमें दिक्कत ही चल रही है। बिल्कुल कोई रास्ता है नहीं। सुन सकते हैं, ये देहरादून के लिए सफर करने के लिए आए थे लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हम देहरादून के लिए खड़े हैं लेकिन मजबूरन हमें ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या सर यात्री इस समय मिल रहे हैं कावड़ यात्रा की वजह से? 40 मिनट हो गए गाड़ी लगे को, 2 सवारी बैठी हैं। मतलब यात्री नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिल रहे। परिवहन निगम की ओर से 12,000 से अधिक बसें चलती हैं जिससे हर रोज तकरीबन 90 लाख लोग सफर करते हैं। ऐसे में कावड़ यात्रा की वजह से जो बसें रद्द हुई हैं इससे परिवहन विभाग के राजस्व को भी काफी नुकसान हो सकता है। कैमरा राजेश के साथ मजरा सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।